नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर yogesh.net.com। तो आज के टॉपिक जो है अपना वो है कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स। हेल्पर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनलाइन एचटीएमएल हेल्पर्स और स्ट्रांगली टाइप्ड एचटीएमएल हेल्पर्स। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, आपको वहाँ इनलाइन एचटीएमएल हेल्पर्स और स्ट्रांगली टाइप्ड एचटीएमएल हेल्पर्स के बारे में कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं, उनको किस लिए अपन क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, द बाई क्रिएटिंग कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स वी कैन इलिमिनेट द रिपीटिंग एचटीएमएल कोड फ्रेगमेंट्स फॉर अवर एप्लीकेशन। कि अपने को ऐसा लगता है कि कोई एचटीएमएल कोड है, कोई टेबल है, कोई टेब है, ये आपका बार बार से रिपीट होगा, डिफरेंट पेजेस पे रिपीट होगा, तो आप उसका एक हेल्पर क्रिएट कर सकते हैं और उस हेल्पर का यूज़ करके आप डायरेक्टली एज ए फंक्शन की तरह कॉल कीजिए। और जब आप उस फंक्शन की तरह कॉल करेंगे तो उस एचटीएमएल कोड को आप डायरेक्टली अपने व्यू पर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट वे है, एक अच्छा तरीका है कि आप किस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है कि एक्सटेंशन मेथड का यूज़ करें अपन। एक्सटेंशन मेथड को समझने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देखें जहां मैंने एक्सटेंशन मेथड को समझाया हुआ है, तो अपन देखेंगे कैसे एक्सटेंशन मेथड का यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन मेथड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहां डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हो, कोई आप बेस क्लास बनाते हो और कोई ड्राइव क्लास बनाते हो, यानी कि आपने दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस किया हुआ है। अब करना क्या है कि आपको अगर बेस क्लास के या कुछ ड्राइव क्लास के कुछ फीचर्स और ऐड करने हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर और ड्राइव क्लास बनानी पड़ेगी, तो उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यूजिंग एक्सटेंशन मेथड, ये सी शार्प का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई इनहेरिटेंस वगैरह नहीं करना और आप डायरेक्टली किसी भी प्री डिफाइंड क्लास जो है आपकी, उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे आपके पास कोई DLL मिलती है, अब अपन जानते हैं कि DLL को अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते, DLL में कोई कोड चेंज नहीं कर सकते, तो अगर आपको किसी DLL के किसी फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो यूजिंग एक्सटेंशन मेथड आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा होता है यूजिंग स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक मेथड मैं आपको आज इस डेमो के अंदर नहीं बताने वाला हूँ, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो अपन जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कि एक्सटेंशन मेथड का यूज़ करके अपन किस तरीके से एचटीएमएल हेल्पर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने जो डेमो लेने जा रहा हूँ, एक तो वो है कि मैं एक सबमिट बटन क्रिएट करूँगा थ्रू एचटीएमएल कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स और एक इमेज जनरेट करूँगा। जनरली अपन जानते हैं कि एचटीएमएल हेल्पर कोई भी नहीं होता सबमिट बटन के लिए और इमेज के लिए, तो अपन उसी को आज देख लेते हैं कि कैसे अपन ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये सोर्स कोड अभी डाउनलोड करना हो तो आपको मैं एक नीचे लिंक दूंगा जहां से आप इस सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन आज डेमो करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपन एक्सटेंशन मेथड का यूज करके कोई भी एचटीएमएल हेल्पर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक कंट्रोलर ऐड करता हूं। कंट्रोलर का नेम एज यूजुअल मैं होम ही रखता हूं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसकी एंट्री रूट कॉन्फिग फाइल के अंदर होती है, तो ये मैंने होम कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। होम कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद मुझे इसके एक एक्शन के अंदर व्यू को अटैच करना पड़ेगा, तो व्यू को भी अटैच कर लेते हैं। इंडेक्स सेक्शन पे जाके राइट क्लिक करके ऐड व्यू करें और ऐड व्यू करने के बाद यहाँ मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरा व्यू भी अटैच हो गया। अब मुझे करना क्या होगा, एक जस्ट मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ मैं अपनी एक स्टैटिक क्लास बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया कस्टम हेल्पर्स। ठीक है, डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी हो गई और इस डायरेक्टरी के अंदर एक अपन क्लास बना लेते हैं, वो होगी कस्टम हेल्पर क्लास। ये अपनी कस्टम हेल्पर क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसी कोई क्लास बनाएं तो उसके अंदर स्टैटिक का यूज जरूर करें, क्योंकि मैं इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड को ही यूज में लेने जा रहा हूं। तो देखते हैं अपन कैसे अपन एक स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। तो पब्लिक इसका एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए, स्टैटिक इसका कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अपन इसे क्लास लेवल से ही एक्सेस करेंगे। और स्टैटिक के बाद फिर इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा MVC HTML स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखते हैं स्ट्रिंग। अभी ये आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि इसके लिए जो नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलरेडी एडेड नहीं है, तो कंट्रोल और डॉट दबा के आप उस नेम स्पेस को ऐड कर सकते हैं और वो नेम स्पेस है usingsystem.web.mvc। जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो ये आपका इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में जो एक्वा कलर होता है ये क्लास को डिनोट करता है इस एडिटर के अंदर। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैं जिस चीज़ के लिए बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे सबमिट बटन के लिए ये कोड आपका जनरेट हो जाए, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको यहाँ एक्सटेंशन मेथड का यूज़ करना है, यानी कि आपको प्री डिफाइंड क्लास को एक्सटेंड करना है। तो वो एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं अपन, वो अपन देखते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, दिस
अगर कहीं भी किसी फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट होता है तो समझ जाइए कि यहाँ पर एक्सटेंशन मेथड यूज में आ रहा है। दूसरी क्लास जिसे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो वो HTML हेल्पर क्लास है और इसका एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि बटन की अदर प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपको सेट करनी है, टाइप आपको सेट करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने टाइप लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, तो वैल के नाम से कीवर्ड बना लिया, तो ये आपका एक मेथड बन रहा है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग str, और str के अंदर आप यहाँ मैनुअली लिख दीजिए जो आपका इनपुट टाइप होता है, क्योंकि ये तो आपको जनरेट करने के लिए यहाँ लिखना ही पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या करना है आपको, यहाँ सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस टाइप आप यहाँ लिख दीजिए जो आपका टाइप इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आ रहा है, ठीक है, ये आर्गुमेंट हो गया। फिर क्या करना है, स्पेस देना है, यहाँ वैल्यू लिखनी है, वैल्यू क्या होती है, जो टेक्स्ट बटन के आपके बैकग्राउंड में दिखाई देगी, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू टाइप आ गया, वैसे से आप चाहें तो सबमिट भी ले सकते हैं क्योंकि सबमिट बटन के लिए बनाने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यूजर से टाइप मांगूंगा उसका और सबमिट को मैं ऐड करूंगा। वैल्यू के अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, सिंगल कोट्स डबल कोट्स फिर प्लस किया, कॉन्कनेट करना है मुझे, वैल्यू इक्वल टू आएगा, तो वैल्यू इक्वल टू लिखा प्लस, और फिर जो आपने वैल ले रखा है ऊपर आर्गुमेंट वो आप ले लीजिए यहाँ पर, तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। और इसके बाद इस कोड को यहाँ बंद कर दीजिए। तो आपने क्या करा, एक सिंपल सी स्ट्रिंग बना ली, मैं इस ब्लॉक को बंद कर देता हूँ जिससे विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ एक कीवर्ड यूज में लेना है MVC HTML, लेकिन इससे पहले आप एक नया कोड जनरेट करने आ रहे हैं, तो MVC HTML स्ट्रिंग ये आपने लिखा और इसके ब्रैकेट के अंदर आप str को पास कर दीजिए, यानी कि ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इस पर्टिकुलर हेल्पर को अपन कैसे व्यू पर एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, व्यू पर अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहला काम जो होगा कि आपको उस कस्टम हेल्पर क्लास का रेफरेंस यहाँ पास करना पड़ेगा। रेफरेंस कैसे पास करेंगे, आपके पास है @using, ठीक है, और जो आपका कोड है, यानी कि जैसे मैं ये जिसमें काम कर रहा हूँ वो है अपना स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML helpers in Hindi dot custom helpers directory dot, अब जो आपने क्लास बनाई हुई है उस क्लास का नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ custom helper class, ये आपने रेफरेंस यहाँ पास कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं एक मिनट, ये कोई इशू आ रहा है कि ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि मुझे अगर उस हेल्पर का यूज़ करना है तो अब मैं कैसे यूज़ करूँगा वो देखिए। देखिए मैं लिखूँगा @stml.submitButton, तो आप देखेंगे एक्सटेंशन मेथड आ रहा है। एक्सटेंशन मेथड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि जो डाउन एरे दिखाए, जो डाउन एरो दिखा रहा है ये बता रहा है कि ये आपका एक एक्सटेंशन मेथड है सबमिट बटन। अब इसके अंदर आर्गुमेंट क्या क्या पास करने हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग में मुझे आर्गुमेंट पास करना है इसका टाइप क्या होगा, तो मैं इसे टाइप में कर देता हूँ कि ये सबमिट टाइप होना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपने यहाँ वैल्यू में स्ट्रिंग में लिख दिया सेव डेटा, ठीक है। ये आप एक सिंपल सी स्ट्रिंग यहाँ पास कर रहे हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो एक बार वीडियो को पॉज कर देते हैं। दोस्तों ये कुछ एरर आ रहा है क्योंकि layout.html से पेज को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ कि कस्टम इस व्यू पर जाकर और यहाँ एक काम और कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ layout=null, ठीक है, कि मुझे कोई भी मास्टर पेज को यूज में नहीं लेना। तो फिर वापस से रन कराते हैं। दोस्तों अभी भी ये इशू आ रहा है क्योंकि ये व्यू स्टार्ट जो इंजन होता है इसके अंदर भी ये इशू ले रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे नल ही पास करना पड़ेगा। देखिए एरर्स आते हैं तो अपने को पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और अपन काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हैं, तो देखते हैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ अगर home/index तो क्या आउटपुट आता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यू आर गेटिंग द सेव डेटा जो कि आपका सबमिट बटन है। अगर कंट्रोल यू जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट आपका यहाँ जनरेट हो चुका है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अपन एक हेल्पर क्रिएट कर सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट के लिए। तो चलिए अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मैं एक इमेज टैग को क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। तो पहले तो मैं इसे वीडियो को, जो वीडियो नहीं अपना जो प्रोग्राम है, इसे पॉज कर लेता हूँ। पॉज करने के बाद अब मुझे एक मेथड और बनाना पड़ेगा। देखिए वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं कुछ कोड को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर मेरे एक चैनल के अंदर आपको यहाँ कुछ कोड मिल जाएगा, आप इस कोड को यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो जिससे क्या आसानी रहेगी अपने को और वीडियो का साइज भी कम हो जाएगा। तो
ये आपने एक मेथड ऐड किया, आईएमजी के नाम से आपका ये टैग आ गया, जिसके अंदर अपन वही चीज कर रहे हैं, एक्सटेंशन मेथड का यूज कर रहे हैं, दिस एचटीएमएल हेल्पर एमवीसी आपने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग एसआरसी यानी कि सोर्स, इमेज का जो पाथ होगा वो आ जाएगा, और अल्टरनेट टेक्स्ट आप जो सेट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा टैग बिल्डर एक प्री डिफाइंड क्लास होती है सी शार्प के अंदर, जिसका यूज करके आप एचटीएमएल टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इमेज टैग बिल्डर का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट सेट कर दिए यूजिंग मर्ज एट्रीब्यूट फंक्शन। ये आपने एट्रीब्यूट्स एसआरसी, ऑल्ट, विड्थ, हाइट, ये सब कुछ आपने सेट कर दिया, लेकिन साथ के साथ आपको एक कंट्रोल क्रिएट भी करना है। तो एमवीसी एचटीएमएल स्ट्रिंग जो इसका रिटर्न टाइप है वो आप रिटर्न यहाँ से करेंगे, डॉट क्रिएट फंक्शन होता है, आप ये क्रिएट कीजिए। और सेल्फ क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, टैग रेंडर मोड की जो आपका इमेज टैग होता है या कोई भी इमेज होता है उसमें ये क्लोजिंग टैग होना चाहिए, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो ये करते आ रहे हैं अपन कि एक इमेज को क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन इसे कॉल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। तो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं एचटीएमएल डॉट सबमिट, नॉट सबमिट बटन, आपने दूसरा लिया है आईएमजी, ठीक है। तो आईएमजी के अंदर अपने को एक तो एसआरसी लेना है यानी कि पाथ को लेना है। तो पाथ अपन क्या करते हैं, एक इमेज यहाँ ऐड करा देते हैं। तो अभी मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी, जैसे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से, ठीक है। और इस इमेजेस में जाके मैं डेस्कटॉप से एक इमेज उठा लेता हूँ, जैसे मेरा जो खुद का जो लोगो है वही मैं उठा लेता हूँ। तो ये मैंने उठाया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसे इमेजेस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पाथ यहाँ आ चुका है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाऊंगा तो ये पूरा पाथ आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एज ए स्ट्रिंग यहाँ पास कर देता हूँ। तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एज ए स्ट्रिंग मैंने यहाँ पास कर दिया। तो पहला आर्गुमेंट जो मांगा था इसने वो सोर्स मांगा था, दूसरा आर्गुमेंट क्या मांगा है इसने, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो दिस इज माई लोगो, ये मैंने एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया। ऑल्टरनेट टेक्स्ट का पर्पज क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से आपके इमेज शो नहीं हो रही है ब्राउजर पे, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि इस टेक्स्ट को शो कर देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या अपने को वो इमेज मिल पाती है यूजिंग एचटीएमएल हेल्पर क्लास, कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो एक बार को मैं वीडियो को पॉज करता हूं और देख, आप यहां देख रहे हैं कि मेरी इमेज नहीं आ पा रही है, यानी कि इसका मतलब कोई पाथ का इशू है। आप अगर कंट्रोल यू करके देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये पाथ नहीं मिल पा रहा है, एक्चुअल में ये इस पाथ को अटैच कर रहा है। तो ये टिल्ड ऑपरेटर कहने का मतलब है यहाँ नहीं आएगा। तो आप क्या करें, इस टिल्ड ऑपरेटर को यहाँ से हटा दें, ठीक है। टिल्ड ऑपरेटर को हटाया जिससे आपको पाथ के बारे में पता चल रहा है, प्लस एक स्लैश को डबल स्लैश बन जाएंगे तो स्लैश को भी हटा दो, वापस से रन कराओ तो आपके आई थिंक क्लियर हो जाएगी चीज। कंट्रोल F5 ये किया तो एक बार रिफ्रेश होगा और ये इमेज के पाथ को रीसेट करेगा, तो हो सकता है इमेज आ जाए। अभी भी कोई इशू आया दोस्तों, तो ये इमेज का इशू क्यों आया, क्योंकि होम, ओके ये होम डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है ना, तो होम डायरेक्टरी के अंदर तो हमने इमेजेस फोल्डर डाला हुआ नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं इमेज की, ठीक है। तो इस इमेजेस को अपन कहाँ डाल देते हैं, होम के अंदर। तो होम डायरेक्टरी का है, ये रही मेरी होम डायरेक्टरी। तो जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये इमेजेस फोल्डर आपका यहाँ चला गया। वापस से रन कराएं और आउटपुट देखें। तो अभी भी ये लोगों को नहीं शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इस लोगों का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके सामने टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आ ही रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन इस कस्टम एचटीएमएल हेल्पर को जनरेट कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे के वीडियोज़ का आप मेरा वेट कीजिए, और भी काफ़ी सारे मैं वीडियोज़ यहाँ अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।